नैतिकता स्वतंत्रता घोषणा पत्र एम पैसियो और जूलियन अलेक्जेंडर द्वारा बनाया गया। यह वर्ष 2022 में राष्ट्रों के लिए एक संदेश है। इस मीडिया में यह ज्ञान सच्चाई के लिए आपकी आंखें खोल देगा। सच तो यह है कि आप किसी न किसी रूप में गुलामी में पैदा हुए हैं। आप किसी भी तरह से स्वतंत्र या स्वतंत्र महिला नहीं हैं, और न ही आपके माता पिता, दादा दादी या यहाँ तक कि परदादा भी थे। वास्तव में पूरी मानव जाति हमारी सभ्यता के प्रारंभ से ही या यहाँ तक कि पहले मनुष्य के समय से ही बंधन में रही है। आप या तो जीरो मैन बुला सकते हैं, एडम या जो भी नाम आपको पसंद हो। अलंकारिक प्रश्नों के माध्यम से मैं यह सामग्री आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आप कहां खड़े हैं। साहसी बनो, इस सामग्री को सीखो और ब्रह्मांड की शक्तियां हम सभी के साथ रहें जब तक कि इस धरती पर हर एक पुरुष और महिला पूरी तरह से मुक्त न हो जाए। वास्तव में शब्द नैतिकता कानून का क्या अर्थ है? नैतिकता को सही और गलत या अच्छे और बुरे व्यवहार के बीच भेद से संबंधित सिद्धांतों के साथ करना है जो किसी अन्य इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कानून शब्द की परिभाषा एक मौजूदा स्थिति है जो बाध्यकारी और अपरिवर्तनीय दोनों है। बंधन का अर्थ है ऐसा प्रभाव होना जिससे बचा न जा सके। अपरिवर्तनीय का अर्थ है समय और स्थान की परवाह किए बिना कुछ भी या किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता। इसलिए नैतिकता कानून सार्वभौमिक, गैर मानव निर्मित, बाध्यकारी और अपरिवर्तनीय स्थितियों का एक समूह है जो हानिकारक या हानिरहित कार्यों को करने की क्षमता वाले बौद्धिक प्राणियों के व्यवहारिक परिणाम को नियंत्रित करता है। हमें जो परिणाम मिलते हैं वे हमेशा इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे चुने हुए व्यवहार या तो नैतिक हैं या अनैतिक। जबकि हम सभी को यह चुनने की स्वतंत्रता है कि हम कौन सा व्यवहार करेंगे, हम व्यक्तियों के रूप में, एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में और एक वैश्विक समुदाय के रूप में हमारे व्यवहार विकल्पों के नैतिक और अनैतिक परिणामों से अछूते नहीं हैं। नैतिकता कानून की समझ एक विश्वास प्रणाली, एक दर्शन या एक धर्म भी नहीं है, लेकिन अन्य प्राकृतिक भौतिक कानूनों की तरह हमारी दुनिया में देखने योग्य, मापने योग्य और दोहराने योग्य प्रभावों के माध्यम से नैतिकता कानूनों की कार्यप्रणाली को खोजा और समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में नैतिकता कानून की समझ वास्तव में एक विज्ञान का गठन करती है जिसके लिए किसी विश्वास या विश्वास की आवश्यकता नहीं होती है। इन कानूनों में विश्वास या अविश्वास पूरी तरह से अप्रासंगिक है क्योंकि वे मौजूद हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे किसी भी भौतिक कानून मौजूद हैं जैसा कि हम दैनिक जीवन में अनुदान के लिए लेते हैं। नैतिकता कानून के रूप में भी जाना जाता है ब्रह्मांडीय कानून, सार्वभौमिक कानून, आध्यात्मिक कानून, परिणामी कानून, स्वर्ण नियम, कर्म कानून और कई अन्य नाम। नैतिकता कानून को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? नैतिकता कानून की समझ उन मनुष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो इस ग्रह पृथ्वी पर एक साथ स्वतंत्रता और शांति से रहना चाहते हैं। चूंकि नैतिकता कानून पूरे समाज के व्यवहार विकल्पों के परिणामों को इस आधार पर वितरित करता है कि उनका व्यवहार नैतिक है या अनैतिक, मनुष्यों के लिए यह निश्चित रूप से जानना एक मौलिक महत्व है कि वास्तव में सही व्यवहार और गलत व्यवहार के बीच अंतर क्या है। नैतिकता उद्देश्यपूर्ण है या व्यक्तिपरक? सही व्यवहार और गलत व्यवहार के बीच का अंतर वस्तुनिष्ठ है, जिसका अर्थ है कि यह मनुष्यों की धारणाओं या विचारों पर आधारित नहीं है, बल्कि व्यवहार में ऐसा अंतर प्रकृति में मौजूद है, विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक मानवीय धारणा या राय से स्वतंत्र है। नैतिकता भावनाओं, धर्म, विश्वास प्रणाली, स्थान और समय या मनुष्य के कानूनों की वरीयताओं और सनक के आधार पर नहीं बदलती है। इन बातों का सच्ची नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। जो एक स्थान और समय में नैतिक है वो सभी स्थानों और समयों में नैतिक है, और जो एक स्थान या समय में अनैतिक है वो हर जगह और किसी भी समय अनैतिक है। सही और गलत व्यवहार के बीच इस उद्देश्य अंतर के ज्ञान को सचेतन कहा जाता है। जागरूक इस बात का ज्ञान है कि कोई विशेष व्यवहार किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है या नहीं, और इसलिए यह नैतिक है या अनैतिक। समस्या यह है कि अधिकांश लोगों के पास यह ज्ञान नहीं है या वे इसके बारे में अत्यधिक भ्रमित हैं। सही कर्म के साथ व्यवहार करना नैतिक है और गलत कार्यों के साथ व्यवहार करना अनैतिक है। फिर भी इस मूलभूत समझ को अक्सर घोर गलत समझा जाता है। लोगों को यह तय करने को नहीं मिलता कि नैतिकता क्या है। नैतिकता इस बात पर आधारित है कि कोई कार्रवाई किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है या नहीं। यह गतिशील प्राकृतिक दुनिया में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। चुनने का अधिकार, अपनी रक्षा करने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। नैतिक सापेक्षवाद क्या है? नैतिक सापेक्षवाद यह विश्वास है कि सही और गलत व्यवहार के बीच कोई वस्तुनिष्ठ अंतर नहीं है। नैतिक सापेक्षवादी मानते हैं कि नैतिकता सापेक्ष या व्यक्तिपरक है। इसका अर्थ यह है कि मानव धारणा, राय, पसंद, नापसंद, सनक और लोगों की पसंद के आधार पर समय और स्थान के संबंध में सही और गलत व्यवहार बदल सकते हैं। नैतिक सापेक्षवाद यह विश्वास है कि मनुष्य मनमाने ढंग से अपने लिए निर्णय ले सकता है कि सही और गलत क्या है, और यह कि वे किसी भी समय या स्थान पर अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर नैतिक और अनैतिक व्यवहार के मध्यस्थ हो सकते हैं।
मानवता के लिए यह पहचानना नितांत आवश्यक है कि नैतिकता व्यक्तिपरक नहीं है जैसा कि लोग मानते हैं, और यह निश्चित रूप से मानवीय धारणा या राय पर आधारित नहीं है। प्रकृति में नैतिक और अनैतिक व्यवहार के बीच निश्चित रूप से एक वस्तुनिष्ठ अंतर है, क्योंकि नैतिक व्यवहार अन्य मनुष्यों को हानि पहुंचाने की पहल नहीं करता है, जबकि अनैतिक व्यवहार अन्य मनुष्यों को हानि पहुंचाने की पहल करता है। ये गति की भीतर मौजूद हैं और प्राकृतिक दुनिया में अंतर्निहित हैं। आज मानव समाज में नैतिक सापेक्षवाद की व्यापकता उन मुख्य कारकों में से एक है जो वर्तमान मानव स्थिति के रूप में किसी न किसी रूप में दास्ता को मजबूत करता है। चूंकि मानव व्यवहार को नैतिकता कानून के साथ संरेखित करना सही और गलत व्यवहार के बीच उद्देश्य अंतर को जानने पर निर्भर करता है। यदि किसी समाज के अधिकांश सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि उन वस्तुनिष्ठ मतभेदों के बारे में कोई सच्चाई नहीं है, तो वह समाज कभी भी लगातार नैतिक रूप से व्यवहार नहीं कर सकता है और इसलिए वे कभी भी एक समाज के रूप में स्वतंत्र नहीं हो सकते। नैतिक सापेक्षवाद को अपनाने वाले समाज में सच्ची स्वतंत्रता कभी मौजूद नहीं हो सकती। एक ऐसा समाज जहां लोग मानते हैं कि सही और गलत व्यवहार के बीच कोई वस्तुनिष्ठ अंतर नहीं है। सही और गलत के बीच वस्तुनिष्ठ अंतर को जानना और फिर जानबूझकर गलत कार्रवाई पर सही कार्रवाई का चयन करना स्वतंत्रता की स्थिति के प्रकटीकरण का आधार है। यदि मनुष्य यह घोषणा करके उस नींव को हटा देते हैं कि कोई वस्तुनिष्ठ नैतिकता नहीं है, तो वे अपने जीवन या सामाजिक संरचनाओं जहां वे रहते हैं में वास्तविक स्वतंत्रता की स्थिति को प्रकट करने में सक्षम नहीं होंगे। वास्तविक उद्देश्य नैतिकता को समझने से मानवता को मानवीय अधिकार और सरकारों की वैधता में मूलभूत रूप से त्रुटिपूर्ण विश्वास को पहचानने में मदद मिलेगी। ऐसा करने से मानव संपर्क स्वैच्छिक और हिंसा और जबरदस्ती की अनैतिकता से मुक्त हो सकता है। यदि हम स्वतंत्रता पर आधारित विश्व चाहते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि सत्य हमारी धारणा से स्वतंत्र है और वो वस्तुनिष्ठ नैतिकता मौजूद है और हम इसे जान सकते हैं। यदि लोग सही और गलत व्यवहार के बीच की सही परिभाषा को जान लें, तो मानवता पूरी तरह से स्वतंत्र बन सकती है और रह सकती है। यदि मनुष्य इस ज्ञान को अस्वीकार करना जारी रखता है और गलत मान्यताओं जैसे कि अधिकार और नैतिक सापेक्षवाद को स्वीकार करना जारी रखता है, तो मानवता किसी न किसी रूप में गुलाम बनी रहेगी। हिंसा, जबरदस्ती और नैतिक सापेक्षवाद पर आधारित व्यवस्था को नजरअंदाज करके और कायम रखते हुए हम धीरे धीरे हमसे छीने गए अपने अंतर्निहित अधिकारों को देखते हुए गुलामी के रास्ते पर चलते रहेंगे। हमारे समाज में नैतिकता कानून के क्या प्रभाव हैं? पृथ्वी पर हमारा साझा मानवीय अनुभव सामूहिक रूप से हमारे सामूहिक मानव व्यवहार की गुणवत्ता द्वारा निर्मित और निर्धारित होता है। यह भौतिक क्षेत्र के भीतर संचालित होने वाले व्यवहारिक परिणामों के नैतिकता कानूनों के प्रभावों को प्रदर्शित करता है। हमारे व्यवहार कार्य कारण के मैदान के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार भौतिक अभिव्यक्ति का अंतर्निहित कारण है जिसके परिणामस्वरूप दुनिया होती है। हमारे सामूहिक मानवीय व्यवहारों के परिणाम और परिणाम तब प्रभाव के मैदान पर अमल में आते हैं जो साझा मानवीय स्थिति का निर्माण करते हैं जिसमें हम सभी को रहना चाहिए। इसे कारण और प्रभाव के नियम के रूप में भी जाना जाता है। नैतिकता के संबंध में हमारे समग्र विचार हमारी प्रजातियों के समग्र व्यवहार में बदल जाते हैं और वो व्यवहार तब परिणामी स्थितियों और परिणामों में बदल जाता है। वास्तव में हम सामूहिक रूप से वही काटते हैं जो हम सामूहिक रूप से बोते हैं। इस प्रकार हमारे व्यवहार किसी भी समाज में हमारी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। इन गतिकी को बार बार देखा जा सकता है और इस तरह के अवलोकन के परिणाम स्वरूप उनके कामकाज को जाना जा सकता है। मानव समाज में इन गतिकी के अध्ययन से व्यवहारिक परिणामों का विज्ञान बनता है। स्वतंत्रता का नियम क्या है और यह नैतिकता पर कैसे लागू होता है? स्वतंत्रता का कानून उन मनुष्यों की पूरी आबादी की स्वतंत्रता या गुलामी की स्थिति को नियंत्रित करता है जो नैतिक और अनैतिक व्यवहार के बीच उद्देश्य अंतर को समझने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता का प्राकृतिक नियम यह निर्देश देता है कि जैसे जैसे समाज सामूहिक रूप से अधिक नैतिक होता जाता है, वे सामूहिक रूप से अधिक स्वतंत्र होते जाते हैं, और जैसे जैसे एक समाज सामूहिक रूप से अधिक अनैतिक होता जाता है, वे सामूहिक रूप से अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और अधिक गुलाम बन जाते हैं। एक पूरे समाज की स्वतंत्रता और गुलामी इस बात पर टिकी है कि समग्र रूप से उस समाज का व्यवहार नैतिक या अनैतिक रूप से सही है या नहीं। चूंकि अधिकांश लोग अभी भी सही और गलत व्यवहार के बीच वस्तुनिष्ठ अंतर को नहीं जानते हैं, वे लगातार ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो नैतिकता कानूनों के साथ संरेखित नहीं होते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग नैतिकता कानूनों के संबंध में इस तरह की अज्ञानी क्षमता में कार्य करते हैं, यह आचरण समग्र रूप से हमारे समाज में अव्यवस्था और अराजकता का एक मूलभूत स्रोत बन जाता है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता के नियम को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे जैसे किसी समाज में समग्र नैतिक व्यवहार बढ़ता है, उस समाज के सदस्यों की समग्र स्वतंत्रता भी बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे किसी समाज का समग्र नैतिक व्यवहार घटता है, उस समाज के सदस्यों की समग्र स्वतंत्रता भी कम होती जाती है। और भी सरल शब्दों में कहें तो जैसे जैसे नैतिकता बढ़ती है, स्वतंत्रता बढ़ती है, और जैसे जैसे नैतिकता का ह्रास होता है, वैसे वैसे स्वतंत्रता का भी ह्रास होता है।
नैतिकता और स्वतंत्रता निर्भर रूप से एक साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह अनैतिकता और गुलामी एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए मानव स्वतंत्रता पूरी तरह से लोगों के शिक्षित निर्णय पर निर्भर है जो नैतिकता कानूनों के साथ संरेखित होती है। यही सही व्यवहार और गलत व्यवहार के बीच अंतर का वस्तुनिष्ठ ज्ञान है। हालांकि कुछ लोग ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंततः इन कानूनों को मानवीय इच्छाओं या इच्छाओं के अनुरूप नहीं बदला जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है या झुकाया नहीं जा सकता है। अन्य प्राणियों के प्राकृतिक अधिकारों और संप्रभुता का पालन करना आध्यात्मिक कानून के अनुरूप है। इस तरह के चुनाव में पृथ्वी पर प्रकट होने की स्वतंत्रता की स्थिति पैदा होगी। इन कानूनों के सीधे उल्लंघन में गलत कार्य करना चुनना केवल अराजकता और पीड़ा को प्रकट करेगा। मानव व्यवहार सामूहिक रूप से हमारी भौतिक वास्तविकता में प्रकट होता है, जो मानवीय की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित है कि क्या नैतिकता कानूनों के अनुरूप कार्य करना है। इस प्रकार स्वतंत्रता की स्थिति पैदा करना या नैतिकता कानूनों के विरोध में कार्य करना, इस प्रकार मानव दासता की स्थिति पैदा करना, ये सार्वभौमिक नैतिक आध्यात्मिक नियम है जो सभी मानव प्रकार को नियंत्रित करते हैं। नैतिकता स्वतंत्रता से कैसे जुड़ी है? सच्ची आध्यात्मिकता स्वतंत्रता में निहित है। वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता है, मानसिक और शारीरिक स्वतंत्रता के साथ। स्वतंत्रता सृष्टि द्वारा प्रदत्त एक प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता और आध्यात्मिकता स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि स्वतंत्रता सच्ची आध्यात्मिकता का उद्देश्य और लक्ष्य है। वास्तविक आध्यात्मिकता स्वतंत्रता के बारे में है, अर्थात आध्यात्मिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता और शरीर की शारीरिक स्वतंत्रता। ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक नियम नैतिक कानून हैं जो उनके प्राणियों को एक दूसरे के साथ सद्भाव और शांति से रहने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। सार्वभौमिक नियम सृष्टि के नियम हैं, और जो कुछ कोई भी कर सकता है वो है इसे खोजना या इसे समझना नहीं। एक नैतिक रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि सभी के समान अधिकार सभी के पास हैं, और किसी के पास किसी से अधिक अधिकार या कम अधिकार नहीं है। क्या नैतिकता जानवरों पर लागू होती है या सिर्फ इंसानों पर लागू होती है? आप प्राकृतिक दुनिया में नहीं जाते जहां जानवर हैं और नैतिकता कानून के बारे में जाने। नहीं, नैतिकता कानून ऐसा नहीं है। नैतिकता का कानून हम पर, इंसानों या उच्चतर प्राणियों पर लागू होता है, क्योंकि हमारे पास सही और गलत कार्यों के बीच अंतर को समझने की मानसिक क्षमता है। हम वैचारिक और अवधारणात्मक स्तर पर सोच सकते हैं। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए हमारे पास उस तरह का दिमाग है। दूसरी ओर जानवरों के पास उस तरह का दिमाग नहीं होता है। तो ये नियम और कानून जानवरों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्राणी हैं जिनके श्रृंगार में कुछ भावनाओं के साथ सहज प्रवृत्ति होती है। जानवरों में इंसानों की तरह भावनात्मक जटिलता नहीं होती है, न ही उनके पास समझने के लिए भावनात्मक या बौद्धिक जटिलता है। उनके पास समग्र बुद्धि की क्षमता भी नहीं है। जानवरों के पास इंसान की तरह दिमाग और दिल आधारित बुद्धि नहीं होती है। हम मनुष्य विवेक का ज्ञान ले सकते हैं और सही और गलत व्यवहार के बीच अंतर जान सकते हैं। एक बार जब आपके पास सच्चे विवेक की क्षमता हो, और क्योंकि आपके पास यह समझने के लिए मस्तिष्क है कि कोई व्यवहार सही या गलत क्यों है, तब नैतिकता का कानून आप पर और वृहद ब्रह्मांड के उन सभी प्राणियों पर समग्र बुद्धि के साथ लागू होता है। मानव अधिकार की परिभाषा क्या है? एक मानव अधिकार एक ऐसा कार्य है जो किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पूछे जाने पर अधिकांश मनुष्य उस सरल परिभाषा को सही ढंग से प्रदान नहीं कर सकते हैं। यही प्राथमिक कारण है कि मनुष्य अपने देशों में अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को खो रहा है। जिसे हम ठीक से परिभाषित भी नहीं कर सकते, उसे हम कैसे रख सकते हैं? एक अधिकार को पहले नकारात्मक में परिभाषित किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपने पास मौजूद असीमित अधिकारों की समझ तक पहुंच सकते हैं, और इस प्रकार उन कार्यों को जानने के द्वारा जो अधिकार नहीं है, जो गलत कार्य हैं, व्यवहार जो दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। हानिकारक व्यवहारों की इस सूची में शामिल हैं हत्या, हमला, बलात्कार, चोरी, अत्याचार, जबरदस्ती और हानिकारक झूठ। यदि हम इन सात गलत कार्यों में से प्रत्येक का बारी बारी से विश्लेषण करें तो हम पा सकते हैं कि ये सभी किसी न किसी रूप में चोरी के ही रूप हैं। हत्या जीवन की चोरी है जिसे लेना हमारा अधिकार नहीं है। हमला दूसरे की भलाई की चोरी है। बलात्कार यौन संबंध की स्वतंत्रता की चोरी है। चोरी किसी की संपत्ति को छीन लेना है। अत्याचार किसी के जीवित क्षेत्र की सुरक्षा की चोरी है। जबरदस्ती हिंसा या दबाव के माध्यम से स्वतंत्र इच्छा की चोरी है। हानिकारक झूठ आवश्यक जानकारी की चोरी है जो किसी और की सूचित निर्णय लेने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। हिंसा अन्य मनुष्यों के खिलाफ हानिकारक व्यवहार की शुरुआत है। हानिकारक व्यवहारों की सूची नैतिकता कानून का उल्लंघन है, क्योंकि वे अन्य मनुष्यों के अंतर्निहित अधिकारों का उल्लंघन है। ये अनैतिक व्यवहार हिंसा की भिन्न भिन्न परिभाषाएं बनाते हैं। इस प्रकार की चोरी के माध्यम से अन्य मनुष्यों के अंतर्निहित अधिकारों का उल्लंघन करना वास्तव में हिंसा और अनैतिकता का संचालन करने के लिए है। चूंकि सभी गलत कार्य चोरी के रूप हैं, नैतिकता के आचरण के नियम को अंततः दो शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, चोरी न करें।
मानवाधिकार कहाँ से आते हैं? मनुष्य के अंतर्निहित अधिकार हस्तांतरणीय और सार्वभौमिक जन्मसिद्ध अधिकार हैं, जिन्हें मानव जाति की किसी भी क्रिया या प्रक्रिया, जैसे कि कानून, आदेश या जनादेश द्वारा कभी भी प्रदान या हटाया नहीं जा सकता है। हमारे मानवाधिकार प्रकृति से ही आते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पहले से मौजूद हैं और स्वयं सृष्टि में निहित हैं। दुर्भाग्य से मानव सभ्यता के हजारों वर्षों के बाद भी अधिकांश लोग अभी भी इस शाश्वत सत्य को नहीं समझ पाए हैं। यह कि मनुष्य को स्वेच्छा से दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने और सम्मान करने के लिए नैतिक कार्रवाई करने का चयन करना चाहिए, अर्थात अन्य मनुष्यों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ उसी सम्मान के साथ व्यवहार करना है जिसके साथ हम स्वयं के साथ व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं। नैतिक कार्रवाई सबसे अच्छी तरह से भ्रामक है और जानबूझकर सबसे खराब तरीके से अनदेखी की जाती है। अधिकार मानवता या किसी भी प्रकार की सरकारों द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि सृजन द्वारा हमें दिए गए जन्मसिद्ध अधिकार हैं। कोई भी इंसान या इंसानों का समूह कभी भी दूसरों को अधिकार नहीं दे सकता है या किसी दूसरे इंसान से अधिकार नहीं मांग सकता है। यह सिर्फ एक मानव निर्मित निर्माण है जो प्रकृति में मौजूद नहीं है या भगवान के स्रोत निर्माण का हिस्सा नहीं है। एक सच्चे नैतिकतावादी अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं। वे सृष्टि के प्राकृतिक नैतिक नियमों की सेवा करते हैं और उनका पालन करते हैं, जिससे सभी अधिकार अंततः प्राप्त होते हैं। क्या इंसानों के पास आज़ादी है? सभी जीवित प्राणी एक अंतर्निहित जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वस्वामित्व से संपन्न हैं और इसलिए उन्हें इस पृथ्वी के किसी भी हिस्से में संप्रभुता में रहने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। अन्य मनुष्यों द्वारा नुकसान या जबरदस्ती की दीक्षा से मुक्त मानव स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के ये सिद्धांत नैतिकता के मूल आधार हैं और व्यवहारिक परिणामों के आध्यात्मिक नियमों द्वारा शासित होते हैं। इन सिद्धांतों का कोई भी उल्लंघन गलत कार्य, अराजक कार्य हैं जो स्वयं सृष्टि द्वारा तैयार किए गए नैतिकता कानूनों के स्व आदेश गतिशील के सीधे विरोध में काम कर रहे हैं। सभी मनुष्यों को नैतिक और अनैतिक व्यवहार के बीच चयन करने की स्वतंत्रता है। हाँ, हमारे पास लोगों के रूप में एक विकल्प है। हम अपने व्यवहार को बदलने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कर सकते हैं और गलत कार्यों पर नैतिक रूप से सही कार्रवाई चुनकर इसे नैतिकता कानूनों के साथ संरेखित कर सकते हैं, या हम अन्य मनुष्यों के साथ अनैतिक व्यवहार करना चुन सकते हैं। क्या सभी के पास समान अधिकार हैं? या क्या कुछ लोगों के पास दूसरों से अधिक अधिकार हैं? अधिकांश लोग इस तथ्य से सहमत होंगे कि जो व्यवहार दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वो अनैतिक कार्य है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम लोग अपने कार्यों की नैतिकता के संबंध में सभी को एक समान रखने में विफल रहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सभी के समान अधिकार हैं जो सभी के पास हैं, और नैतिकता कानूनों के लिए कोई अपवाद नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक निश्चित कार्य करने का अधिकार नहीं है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, तो कोई भी इस तरह के अस्तित्वहीन अधिकार को किसी भी इंसान या लोगों के किसी अन्य समूह को सरकार नहीं कह सकता है। और इसलिए जादुई तरीके से गलत काम को सही में बदल दें। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति के पास अन्य सभी के समान प्राकृतिक अंतर्निहित अधिकार होते हैं, और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है जिसमें सरकार, पुलिस, सेना या किसी अन्य सामाजिक संस्था के व्यक्ति शामिल हैं, पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में कहीं भी। नैतिकता कानून के तहत समानता का यही मतलब है। वैधता किसी भी रूप में नैतिकता के समान नहीं है। क्या सरकारी प्राधिकरण नैतिक रूप से वैध है? यदि मनुष्य के नियम नैतिकता के प्राकृतिक नियमों के साथ संरेखित हो जाते हैं तो वे परिभाषा के अनुसार बेमानी हो जाते हैं और इसलिए अनावश्यक। यदि मनुष्य के नियम नैतिकता के नियमों के विरोध में हैं तो वे झूठे और अनैतिक हैं। इसलिए ये कानून समय और स्थान की परवाह किए बिना किसी भी इंसान पर कभी भी वैध रूप से बाध्यकारी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई चीज या तो कानूनी है या अवैध है, उसे नैतिक या अनैतिक नहीं बनाती है। इसे स्वीकार करते हुए हम सही समझ पर पहुंच सकते हैं कि सभी तथाकथित मानव अधिकार नैतिक रूप से नाजायज हैं, क्योंकि यह स्वैच्छिक नहीं है और यह जबरदस्ती, दबाव और हिंसा पर आधारित है, जो अपने आप में अनैतिक व्यवहार है। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म तय करते हैं कि पाप क्या है और सरकारें तय करती हैं कि हमारे समाज में अपराध या पाप क्या है। इस तरह की मनमानी नैतिकता आज हमारी दुनिया में स्वतंत्रता को नष्ट करने वाली शक्ति है। उदाहरण के लिए, भांग पीना, यह एक अधिकार है। यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है और यह कोई दोष या पाप नहीं है जैसा कि कलीसिया द्वारा देखा जा रहा है, और निश्चित रूप से कोई अपराध नहीं है जैसा कि सरकारों ने देखा है, क्योंकि किसी के खिलाफ कोई गलत या नुकसान नहीं किया गया है। दिन हो या रात, किसी भी समय छोटी मिनी स्कर्ट पहनने वाली महिला का अधिकार है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, और निश्चित रूप से पाप नहीं है जैसा कि चर्च या कुछ धर्मों में आप विश्वास करेंगे, और अपराध भी नहीं क्योंकि किसी के खिलाफ कोई नुकसान नहीं हुआ है। मानव जाति में निवेश किए गए सभी प्राधिकरण स्वाभाविक रूप से नाजायज, भ्रामक और अनैतिक हैं। पूरे इतिहास में सरकार का मुख्य संदेश यही रहा है, मैं भगवान हूं और मुझे अपनी इच्छा और विवेक से अधिकार और गलतियां तय करने और तय करने का अधिकार है। गुलामी सरकारी अधिकारियों की सभी प्रणालियों में निहित है।
सरकारों में अधिकार एक रोगग्रस्त दिमाग का भ्रम है जो पूरी तरह से हिंसा पर आधारित है और इस गलत धारणा पर आधारित है कि सरकारों को आदेश जारी करने का नैतिक अधिकार है, जबकि अन्य उन आदेशों या आदेशों का पालन करने में नैतिक दायित्व रखते हैं। हमारा नैतिक दायित्व है कि हम इस बात की पर्याप्त देखभाल करें कि हमारी दुनिया में क्या गलत है, इसे बेहतर के लिए बदलने के लिए वास्तविक कार्रवाई करें। बच्चों और कुछ वयस्कों का मानना है कि जब तक सरकार की ओर से जानकारी नहीं आती है, वह जानकारी सही नहीं है। क्या सरकारी प्राधिकरण प्रकृति में मौजूद है? सरकारी प्राधिकरण एक अवैध मानव निर्मित निर्माण है जो प्रकृति में मौजूद नहीं है। यह विश्वास प्रणाली कि कुछ लोग किसी अन्य इंसान पर वैध अधिकार प्राप्त कर सकते हैं या कुछ लोगों के पास दूसरों की तुलना में कम या ज्यादा निहित अधिकार हैं, हमारी दुनिया में और पूरे मानव इतिहास में अद्वितीय पीड़ा और मृत्यु के सबसे बुनियादी कारणों में से एक है। प्राधिकरण व्यक्तियों के विशिष्ट समूहों द्वारा एक असत्य, नाजायज और अनैतिक दावा है और रहा है जिसे दुर्भाग्य से लगभग सभी मनुष्यों द्वारा पूर्ण धार्मिक उत्साह के साथ स्वीकार और विश्वास किया जाता है। राजनेताओं, पुलिस और सेना को सत्ता का तथाकथित प्रत्यायोजन स्वाभाविक रूप से नैतिक रूप से नाजायज है। यह वास्तव में प्रकृति में नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी और को अधिकार देना या सौंपना असंभव है। आप किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से उपयोग करने का अपना अंतर्निहित अधिकार नहीं दे सकते। यह एक मानव निर्मित निर्माण है जो नैतिकता के नियमों में मौजूद नहीं है। इसलिए इन लोगों द्वारा बनाए गए पूरे अनुबंध या कानून नैतिक रूप से शून्य हैं। हमारे समाज में इन नकली कानूनों के परिणाम स्वरूप अतीत और वर्तमान लोगों के उन समूहों के लिए मानव दास्ता से ज्यादा कुछ नहीं है। यह मानना कि सरकार वैध है, गुलामी को वैध मानना है। किसी को यह मानने का अधिकार नहीं है कि लोग संपत्ति हैं। अथॉरिटी जैसी कोई चीज नहीं है, केवल आप ही अपने कार्यों के लिए अधिकतम अधिकार और अपने स्वयं के गुणों के नियंत्रण हैं। दो समूह हैं जो मानवता को अलग करते हैं। वे हैं जो गुलामी का समर्थन करते हैं और जो गुलामी का विरोध करते हैं। क्या सरकार द्वारा कराधान नैतिक रूप से वैध है? कराधान सरकारों द्वारा जबरदस्ती और हिंसा की धमकी से मजबूर किसी के श्रम की चोरी है। कराधान का दावा है कि लोगों के एक समूह जो खुद को सरकार कहते हैं को किसी व्यक्ति के श्रम से आय का एक चुना हुआ प्रतिशत जब्त करने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी आय साझा करने के लिए सहमत हो या नहीं। जिन सरकारों से उत्पाद जब्त किया गया है या जब्ती का विरोध करने का प्रयास करने वाली सरकारों द्वारा हिंसा या कारावास की धमकी से जब्ती लागू की जाती है। कराधान और जब्ती चोरी के लिए एक व्यंजना से ज्यादा कुछ नहीं है। उन लोगों द्वारा कराधान को एक अधिकार में बदल दिया जाता है जो दावा करते हैं कि इस तरह की प्रथा सभी लोगों के लिए सामान्य अच्छे को बनाए रखने के लिए बिल्कुल आवश्यक और आवश्यक है। फिर भी हम समाज में इतनी असमानता कैसे पाते हैं अगर ऐसा है? सरकार को धन की आवश्यकता का मुख्य कारण किसी न किसी रूप में दास्ता को कायम रखना और जारी रखना है, और या किसी न किसी रूप में सामरिक क्षेत्रीय लाभ का विस्तार है। गुलामी किसी अन्य इंसान से श्रम की आय का 100% अनैच्छिक रूप से जब्त करना है। हालांकि ऐसी कोई जादुई प्रतिशत संख्या नहीं है जिससे हम 0% के अलावा संख्या को कम कर सकें, जो अब गुलामी की स्थिति नहीं बनेगी। यदि हम स्वयं के प्रति ईमानदार हैं तो कराधान केवल मनुष्यों की चोरी और दास्ता के लिए एक प्रयोक्ति है। किसी भी इंसान को किसी अन्य व्यक्ति से आय या संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने का अधिकार नहीं है, और इस तरह के व्यवहार को कभी भी लोगों के समूह को नहीं सौंपा जा सकता है और इसे अधिकार कहा जा सकता है। इस प्रकार नैतिकता कानूनों के तहत कराधान के सभी रूप गलत और अनैतिक हैं। एक दवा कानून नैतिक रूप से वैध और आवश्यक है या क्या लोगों को अपने शरीर में डालने का अधिकार है कि वे क्या चुनते हैं? लोग अपने शरीर के मालिक हैं और उन्हें यह चुनने का एक अंतर्निहित अधिकार है कि वे इसमें क्या डालते हैं या क्या डालते हैं। जो सरकारें लोगों को उनके शरीर पर काम करने से प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाती हैं, वे यह दावा करने के अलावा और कुछ नहीं है कि वे उस व्यक्ति के मालिक हैं। निषेध लोगों के एक समूह द्वारा किए गए दावे हैं जिन्हें दूसरों को अपने शरीर में विशिष्ट पदार्थ डालने से रोकने के लिए अधिकार दिए गए हैं, और अगर ये लोग पालन करने से इनकार करते हैं तो उन्हें जुर्माना या कैद किया जाएगा। यह स्वयं स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति का शरीर स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी संपत्ति है तो वो व्यक्ति हमेशा यह तय करने का प्राकृतिक अधिकार रखता है कि उसके अपने शरीर में क्या डाला जाएगा या नहीं। उनके शरीर उनके अपने गुण हैं और किसी और के गुण नहीं हैं। किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में क्या डाला जाएगा या नहीं, यह आदेश देने का दावा दूसरे व्यक्ति के शरीर पर स्वामित्व के दावे के अलावा और कुछ नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के स्वामित्व के दावे को गुलामी कहा जाता है। इस प्रकार निषेध केवल हिंसा द्वारा समर्थित दास्ता के लिए एक व्यंजना है। पृथ्वी पर कहीं भी किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के स्वामित्व का दावा करने का अधिकार नहीं है, और ऐसे अधिकारियों को कभी भी लोगों के समूह को नहीं सौंपा जा सकता है और उन्हें अधिकार नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार सभी प्रकार के निषेध अनैतिक हैं और नैतिकता के नियमों के विरुद्ध हैं। लोग अपने स्वयं के शरीर के शासक हैं और कोई भी उनके लिए बाहरी रूप से शासन नहीं करता है।
दूसरे शब्दों में, आप एक गुलाम नहीं हैं, बल्कि एक स्वतंत्र या एक स्वतंत्र महिला हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में संप्रभु है, चाहे वे इसे जानते हों या नहीं। दास्ता नाजायज और प्रकृति में अनैतिक है। कोई भी वैध रूप से गुलाम नहीं है, क्योंकि हम सभी अपने शरीर और नियति के स्वामी हैं। क्या बिना लाइसेंस यात्रा एक अंतर्निहित अधिकार है? लाइसेंस यात्रा मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार का एक जबरदस्त प्रतिबंध है, जो अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। दूसरे मनुष्य के आंदोलन को प्रतिबंधित करना प्रकृति में अनैतिक है, क्योंकि यह दूसरे इंसान के स्वतंत्र आंदोलन को रोकता है, जो कि अपनी इच्छानुसार चलने की स्वतंत्रता की चोरी है। यदि कोई सरकारी कानून किसी ऐसे कार्य को प्रतिबंधित करता है जो किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो क्या लोग उस कानून का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं? मानव निर्मित कानून जो नैतिकता कानूनों के विरोध में हैं, वे नैतिक रूप से नाजायज हैं और इसलिए किसी भी व्यक्ति पर नैतिक रूप से बाध्यकारी नहीं है। एकमात्र वैध मानवीय संपर्क वे हैं जो स्वैच्छिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे सभी शामिल प्रतिभागियों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत हैं। मानव ने कानून बनाए जिनमें वे भी शामिल हैं जो निषेध, कराधान और लाइसेंसिंग जैसे व्यवहार, आदेश और अधिनियमित करते हैं, जो किसी भी तरह से स्वैच्छिक नहीं हैं। वे अनुपालन के आदेश हैं, जो हमेशा हिंसा या मानव पर किए गए वास्तविक हिंसक व्यवहार के खतरे से पीछे हटते हैं। मानव निर्मित कानून शासक वर्ग के मनमानी फरमान हैं, जो खुद को सरकार कहते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके पास आप पर शासन करने का यह जादुई अधिकार है। माना जाता है कि उनकी प्रजा उनके तथाकथित अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों का इन कानूनों और इन अधिकार क्षेत्र में शासक वर्ग द्वारा अधिनियमित जनादेश का पालन करने का नैतिक दायित्व है। यह समझना कि इस तरह की व्यवस्था पूरी तरह से जबरदस्ती, हिंसक और दबाव पर आधारित है, ताकि मानव व्यवहार को उस विशिष्ट क्षेत्राधिकार में प्रभुत्वशाली शासक वर्ग की इच्छा के अनुपालन में लाया जा सके। हम इस अटूट सत्य पर पहुंच सकते हैं कि सरकार शब्द केवल दास्ता के लिए एक व्यंजना है, और वास्तव में यही मनुष्य की स्थिति है, वो है गुलामी। गुलामी गुप्त रूप में मौजूद हो सकती है, जहां मानसिक हेरफेर का उपयोग उस दबाव या जबरदस्ती और हिंसा को वैध बनाने या उचित ठहराने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग अनैतिक व्यवहार और परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए किया जाता है, जिसमें लोगों को अन्यायपूर्ण तरीके से रखा जाता है। क्या हिंसा एक अधिकार बन जाती है जब सरकार करती है? नहीं। जो लोग मानते हैं कि अधिकार आवश्यक है और इसे जारी रहना चाहिए, उन्हें यह विश्वास करने में मूर्ख बनाया गया है कि मानव दास्ता आवश्यक है और अराजकता को रोकने के लिए जारी रहना चाहिए। हिंसा और गुलामी का कोई भी रूप अराजकता को नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंसा और गुलामी अपने आप में अराजकता है। मानव दास्ता की स्थिति जो सदियों से जारी है और शासक वर्ग द्वारा बनाए रखी गई है, लोगों को अज्ञानता और भ्रम की स्थिति में नैतिक और अनैतिक व्यवहार के बीच वास्तविक अंतर के बारे में भ्रमित करना है। अधिकार इस भ्रम और असत्य पर आधारित है कि कुछ स्वामी हैं जो आदेश निर्धारित कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर समय नैतिकता पर आधारित नहीं होते हैं, लेकिन हिंसा और जबरदस्ती द्वारा लागू किए जाते हैं, और उनकी प्रजा उनके दासों का नैतिक दायित्व है कि वे अधिकारियों द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करें। जब भी प्राधिकरण में विश्वास और आज्ञाकारिता बड़े पैमाने पर नैतिकता के प्रति निष्ठा को प्रभावित करती है, तो पूरी आबादी अपने समाज में अपनी खुद की बनाई हुई जेल में समाप्त हो जाती है। क्या सरकार द्वारा अनैतिक कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित आदेश उचित हैं? मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था, अनैतिक या आपराधिक व्यवहार के लिए एक वैध बहाना या औचित्य नहीं है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी को त्यागने के इस लंगड़े प्रयास को कभी भी ऐसे व्यवहारों के लिए एक वैध बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आदेश अनुयायियों को आदेश देने वालों की तुलना में अधिक जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि आदेश अनुयायी वास्तविक व्यक्ति होते हैं जो कार्यों को कर रहे हैं, जिससे किसी अन्य इंसान को अभिव्यक्ति में नुकसान हो रहा है। आदेश का पालन करना हमारी दुनिया में हर बुराई और अराजकता का मार्ग है। इसे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गुण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जो खुद को एक नैतिक इंसान मानता हो। आदेश अनुयायी अंततः पूरे इतिहास में गुलामी के हर रूप और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार और नैतिक रूप से दोषी हैं, और हर एक अधिनायकवादी शासन जो कभी भी पृथ्वी के चेहरे पर मौजूद है, आदेश अनुयायियों को उनके आदेशों को पूरा करने के लिए नैतिकता कानूनों को तोड़कर गंदा काम करने के लिए हेरफेर किया जाता है। कोई भी सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति आदेश का अनुयायी नहीं होता है। एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन करता है, गलत कार्यों पर सही कार्रवाई का चयन करता है, वे विवेक का पालन करते हैं, आदेशों का नहीं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप अपने विवेक का पालन करते हैं, आदेशों का नहीं। आप सही और गलत के बीच अंतर जानते हैं और फिर आप सही व्यवहार करते हैं। आदेश अनुयायी ऐसा नहीं करते हैं, वे वही करते हैं जो दूसरे लोग उन्हें करने के लिए कहते हैं, चाहे वह नैतिक रूप से सही हो या नैतिक रूप से गलत, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कारण से आदेश अनुयायियों ने किसी विशेष स्थान पर नैतिक कानूनों को तोड़ने के लिए नैतिक दोष के शेर के हिस्से को निहित किया। आदेशों का पालन करने का अर्थ है वह करना जो आपको करने के लिए कहा गया है, बिना यह निर्णय किए कि आपको जो कार्य करने का आदेश दिया गया है वह सही है या गलत।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का पालन कर रहा है कि व्यक्ति विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार विवेक का प्रयोग करने का अर्थ है कि व्यक्ति जानबूझकर गलत कार्यों पर सही कार्रवाई का चयन कर रहा है। आदेश अनुयायी जो सरकारों में विश्वास को कायम रखते हैं, वे वास्तव में मानवता के लिए धोखेबाज हैं, चाहे वे इसे जानते हों या नहीं, क्योंकि वे मानव स्वतंत्रता के विनाश के लिए बहुत विश्वास प्रणाली की वकालत करते हैं। अपने देश से सच्चा प्यार करने वालों के क्या गुण हैं? ये वे हैं जो स्वतंत्रता के लिए खड़े होते हैं और किसी भी रूप या रूप में अत्याचार का विरोध करते हैं। वे वही हैं जो अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि अपने देश में किसी भी रूप में गुलामी के खिलाफ खड़े हो सकें। और जो सरकारों की ओर से अनैतिक व्यवहारों को बुलाते हैं और बताते हैं कि वास्तव में यह कैसा है। सच्चे स्वतंत्रता सेनानी अनैतिक अधिकार में विश्वास को पूरी तरह से खारिज करते हैं और वे एक शासक वर्ग या केंद्रीकृत सत्ता संरचना को किसी भी रूप में गुलाम के रूप में शासन करने से इनकार करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी इस सच्चाई को समझते हैं कि कोई भी इंसान वैध रूप से दूसरे पर शासन नहीं कर सकता है। वे सरकार के किसी भी रूप के खिलाफ खड़े होते हैं क्योंकि ये नैतिकता के कानूनों के खिलाफ हैं, लोगों को गुलाम बनाते हैं और उन्हें देखते हैं और उन्हें अपनी संपत्ति मानते हैं। आधुनिक सेना और पुलिस को स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। सेना आजादी के लिए नहीं लड़ रही है, वे एक विशेष अधिकार क्षेत्र में अपने आकाओं के लिए साम्राज्य या रणनीतिक क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। सेना और पुलिस भी एक स्वतंत्र समाज के रक्षक नहीं है, बल्कि वे किसी देश के शासक वर्ग द्वारा किसी प्रकार की दास्ता के प्रवर्तक हैं। देश का अर्थ भूमि और उस पर रहने वाले लोगों को भ्रमित करने की गलती न करें उस विशेष सरकार के साथ जो उस देश में नियंत्रण और अनैतिकता को लागू करने वाली होती है। क्या मनुष्य को आक्रमण के विरुद्ध अपनी रक्षा करने का अधिकार है? गैर आक्रामकता सिद्धांत नैतिकता कानून के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि अन्य मनुष्यों या उस मामले के लिए किसी भी जीवित प्राणी पर आक्रामकता या हिंसा शुरू करना नैतिक रूप से गलत है। यह हमें नैतिकता कानून के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्मरक्षा सिद्धांत पर लाता है। व्यक्ति अपने ऊपर की गई हिंसा के कृत्यों के विरुद्ध अपना बचाव करने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग करने का प्राकृतिक अधिकार हमेशा सुरक्षित रखता है। आत्मरक्षा हिंसा या अनैतिक नहीं है और इसे कभी भी नहीं माना जाना चाहिए। हिंसा के खिलाफ आत्मरक्षा सभी मनुष्यों का एक अंतर्निहित अधिकार है। यह एक अपरिवर्तनीय सिद्धांत है जो समय और स्थान से परे है। जब कोई हिंसा के माध्यम से नैतिकता कानून का उल्लंघन करता है तो हमारे पास हमेशा अपनी रक्षा करने का अधिकार होता है, चाहे जितनी भी ताकत की आवश्यकता हो, आक्रामकता को रोकने के लिए घातक बल तक और इसमें शामिल है। प्रकृति में लोगों को घातक बल का उपयोग करने का अधिकार होता है जब उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है जहां उन्हें अपना बचाव करना पड़ता है, अन्यथा वे मर जाएंगे। अधिकांश लोग सच्ची स्वतंत्रता से डरते हैं क्योंकि इसका तात्पर्य है और इसके साथ कुल व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं जो अधिकांश मनुष्य नहीं चाहते हैं और जिनसे वे हर कीमत पर बचने का प्रयास करेंगे। भावनात्मक परिपक्वता के लिए आत्मरक्षा की विकसित समझ की आवश्यकता होती है। हालांकि भय लगभग हमेशा अज्ञानता से उपजा है। चूंकि लोग यह नहीं जानते कि अपनी रक्षा के लिए हथियारों का उपयोग कैसे किया जाता है, इसलिए वे तर्कहीन रूप से डरते हैं कि सभी हथियार किसी न किसी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि ये लोग केवल डर के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, वे इस बात पर जोर देते हैं कि बाकी सभी को आत्मरक्षा के अपने प्राकृतिक अधिकार को खो देना चाहिए, बस उन्हें डरने नहीं की अनुमति दी जा सकती है। यह एक अपरिपक्व डरपोक बच्चे की सबसे अच्छी मानसिकता है। सबसे बुरी बात यह है कि दूसरे लोगों के आत्मरक्षा के अधिकार की वकालत की जाती है। सरकारें इन लोगों के लिए कदम उठाने और ऐसी बच्चों जैसी मानसिकता के लिए उनके प्रॉक्सी माता पिता बनने के लिए बहुत खुश हैं। किसी को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आत्म प्रेम विकसित करना होगा यह कहने के लिए, मैं गुलाम नहीं बनूंगा, आप गंभीर परिणामों के बिना मेरी जान नहीं लेंगे। आप मेरी जान लेने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे अधिकारों और स्वतंत्रता को नहीं लेने जा रहे हैं जो मुझे सृष्टि द्वारा प्रदान किया गया है। लोग इस जिम्मेदारी से अत्यधिक डरते हैं कि उन्हें अपने स्वयं के स्वयं में किसी अन्य इंसान को मारने की आवश्यकता हो सकती है। खुद को जिंदा रखने के लिए बचाव। यदि कोई आपके जीवन या स्वतंत्रता या आपके प्रियजनों, माता पिता पुत्र पुत्री जीवन साथी के जीवन और स्वतंत्रता को लेने का प्रयास कर रहा था, क्या आप जानते हैं कि क्या आप उस व्यक्ति की रक्षा के लिए जानबूझकर उसकी हत्या कर पाएंगे? यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मार सकते जो आपकी या आपके प्रियजनों की हत्या करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको यह सोचने के लिए आत्मा के स्तर पर बहुत टूटना होगा कि आप किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मार सकते जो आपके जीवन के लिए आ रहा है या आपकी जान लेने के लिए आ रहा है। आपका प्रियतम शांतिवादी वो है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में खुद का बचाव करने या किसी और का बचाव करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेगा। इस प्रकार की सोच इस दुनिया में संभावित अत्याचारियों, तानाशाहों और या मनोरोगियों की इच्छा के लिए सभी मानव जाति के लिए दास्ता को प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त करती है जो ईश्वर प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। शांतिवादी हिंसा और बल के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं।
एक बल एक ऐसा अधिकार है जो दुर्भाग्य से अक्सर जीवन और अधिकारों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक होता है, उन लोगों के खिलाफ जो अन्य लोगों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनका उल्लंघन करते हैं। एक पीड़ित मानसिकता के लिए शांतिवाद एक व्यंजना से ज्यादा कुछ नहीं है। शांतिवादी इस दुनिया में सभी प्रकार की बुराई को आपस में चलने देंगे। आत्मरक्षा के संबंध में किसी की भी अज्ञानता सभी की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। क्या हम जो कुछ भी विश्वास करना चाहते हैं उस पर विश्वास करने का अधिकार हमारे पास है? हम अपने विश्वासों के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचारों के माध्यम से तर्क करने की क्षमता रखते हैं। सभी विचार अधिकार हैं, लेकिन सभी विश्वास अधिकार नहीं हैं, यदि वे अन्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। हम जो कुछ भी विश्वास करना चाहते हैं उस पर विश्वास करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम केवल उस पर विश्वास करने का अधिकार रखते हैं जिस पर हम विश्वास करना चाहते हैं, यदि वे विश्वास हिंसा की निंदा नहीं करते हैं या किसी अन्य इंसान की गुलामी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन नैतिकता कानूनों के भीतर रहते हैं। लोगों को अपना धर्म रखने का अधिकार है, वे जो चाहें उस पर विश्वास कर सकते हैं। धर्म रखने या किसी भी प्रकार के धर्म बनाने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब अन्य लोगों के अधिकारों जैसे कि जीवन अधिकार और व्यक्तिगत संपत्तियों का उल्लंघन करके हानिकारक गलत व्यवहार की वकालत करने की बात आती है, तो वह तब होता है जब हिरन बंद हो जाता है और उस धर्म को हमारे समाज से पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए और अंततः हमारी पृथ्वी। क्या लोगों को गुलाम बनने का अधिकार है अगर वे चाहते हैं? लोगों को यह मानने का भी अधिकार नहीं है कि वे गुलाम बनना चाहते हैं। यह अधिकार नहीं है। लोगों को सृष्टि के अधीन गुलामी को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह उन्हें स्वयं सृष्टि द्वारा दिए गए स्वतंत्रता के उपहार की अस्वीकृति है, और क्योंकि यह संभावित रूप से नुकसान पहुंचा रहा है और अन्य मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता खोने के खतरे में डाल रहा है, जिन्होंने पहले से ही लोगों को एक या दूसरे रूप में गुलाम बना लिया है। हमें एक के नियम को पहचानना चाहिए, यानी हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, कि हर कोई पीड़ित है जब कोई इस ग्रह पर कहीं भी अत्याचार और गुलामी के तहत पीड़ित है। इसलिए हमने सीखा है कि नैतिक ज्ञान के साथ दूसरों को जागरूक होने में मदद करने के लिए हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं ताकि वे अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। क्या हम जो कुछ भी चाहते हैं उसके बारे में उदासीन होने का अधिकार हमारे पास है? हम जो चाहते हैं उसके प्रति उदासीन होने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल उदासीन होने का अधिकार तभी है जब वो उदासीनता अन्य मनुष्यों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कम न करे। दूसरे शब्दों में, मानव दास्ता की स्थितियों की परवाह न करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अन्य मनुष्यों को संभावित दास्ता और अत्याचार के खतरे में डाल रहा है। क्या हम किसी भी चीज के बारे में चुप रहने का अधिकार रखते हैं? हम जो कुछ भी चाहते हैं उसके बारे में चुप रहने का अधिकार हमारे पास केवल तभी है जब वह चुप्पी अन्य मनुष्यों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कम न करे, अन्यथा चुप रहना अनैतिक है जब किसी भी स्थान पर किसी अन्य इंसान से प्राकृतिक अधिकार छीन लिया गया हो और किसी भी समय। चुप रहना बुराई से जुड़ा है, जो एक अनैतिक कार्य है। अगर मुझे गुलामी का मामला दिखाई देता है और मैं कुछ नहीं करता, तो मैं अपनी गैर क्रिया से ईविल के साथ एक मिलीभगत कार्रवाई में भाग ले रहा हूँ। मैं अपनी चुप्पी और अपने गैर कार्यों या बुराई के प्रति उदासीनता को क्षमा कर रहा हूँ जो किसी अन्य इंसान के लिए किया गया है, और यह अधिकार नहीं है, क्योंकि यह हर किसी को किसी न किसी रूप में गुलाम होने के खतरे में डालता है। बुराई को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करके और चुप रहकर हम उस बुराई और अनैतिक कार्य में भाग ले रहे हैं जो किया जा रहा है। जो लोग अपनी चुप्पी या कार्यों के माध्यम से बुराई करने की अनुमति देते हैं, वे उतने ही अनैतिक हैं जितने की दुष्ट अनैतिक कार्य करने वाले। क्या मुझे दूसरों का न्याय करने का अधिकार नहीं है? जज न करें और आप जज नहीं होंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि चुप रहें और अन्य लोगों के हिंसक या जबरदस्ती अनैतिक व्यवहारों को न कहें। इसका मतलब यह है कि कार्रवाई करने से पहले दूसरों को पूर्व न्याय नहीं करना है। दूसरे लोगों की गलतियों और हानिकारक व्यवहारों का न्याय न करना एक झूठा विचार है। इस प्रकार का व्यवहार हमारी दुनिया को अराजकता और निरंकुशता में और गहराता जा रहा है। सच्ची क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम जानबूझकर गलत कामों की अवहेलना करते रहें या अन्य लोगों के अनैतिक व्यवहारों को क्षमा करें। यह सबसे अच्छा भोलापन है और सबसे खराब बुराई के साथ सहयोग करना। लेकिन सच्ची क्षमा सत्य बोलने की इच्छा से शुरू होती है, और यहीं से अपराधी और पीड़ित के लिए क्षमा और सुलह शुरू होनी चाहिए। सच्चा विवेक क्या है? विवेक अच्छा करने की इच्छा या सही काम करने का इरादा नहीं है। यह गलत धारणा कई लोगों को यह मानने का कारण बनती है कि जब वे वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पास या अन्य लोगों के पास विवेक होता है। विवेक सही और गलत व्यवहार के बीच अंतर का ज्ञान है, और गलत व्यवहार पर सही व्यवहार का चयन करना है। किसी के पास विवेक रखने की सही परिभाषा यही है। अंतःकरण का अर्थ है बुराई को पुकारना और उसकी ओर इशारा करना, और उसे किसी विशेष स्थान पर किसी भी रूप में शामिल नहीं करना। सच्ची चेतना का अर्थ है यह जानना कि आप कौन हैं और यह जानना कि दुष्ट शत्रु कौन है। इसका अर्थ है अपने परिवेश और उस स्थिति की प्रकृति को जानना जिसमें आप रह रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप केवल एक
भौतिक शरीर नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक प्राणी है जो इस धरती पर आध्यात्मिक रूप से सीखने और बढ़ने के उद्देश्य से एक भौतिक अनुभव रखते हैं। क्या आज़ादी की लड़ाई जायज़ है? अधिकांश लोग एक धर्मी विद्रोह से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वे सरकार से लड़ नहीं सकते और जीत नहीं सकते। दूसरी ओर लोगों का मानना है कि अत्याचारियों और निरंकुशता का अनुपालन एक ऐसी रणनीति है जो किसी तरह उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखेगी। लेकिन वो कायरतापूर्ण रणनीति वास्तव में कभी कारगर नहीं होती क्योंकि इतिहास ने बार बार प्रदर्शन किया है। हालांकि अधिकांश मनुष्य अपनी सरकारों की हिंसा और जबरदस्ती का सामना करने के लिए काय होते हैं, चाहे उनके कितने भी अधिकार उनसे लगातार छीन लिए गए हों। अधिकांश लोग संभावित खतरनाक स्वतंत्रता के स्थान पर आरामदायक दास्ता को चुनते हैं। वे इस सच्चाई को समझने में विफल रहते हैं कि स्वतंत्रता के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यदि आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं और लोगों के एक समूह के गुलाम हैं जो खुद को सरकार कहते हैं, तो शारीरिक सुरक्षा का क्या महत्व है? आपकी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा या अस्तित्व से भी अधिक महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से आज लोग अपने आरामदेह जीवन को आज़ादी से ज्यादा प्यार करते हैं। अत्याचार के सामने काय हमेशा सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, जबकि अच्छे लोग अत्याचार और स्वतंत्रता के बीच खुद को खतरे में डालते हैं। काय बुराई को गले लगाना पसंद करते हैं और दूसरों के खिलाफ अपने एजेंट के रूप में खुद को अत्याचार में शामिल करना पसंद करते हैं, या वे अत्याचारियों को खुश करने की कोशिश करते हैं इस बात पर जोर देते हुए कि दुश्मन बहुत मजबूत है और उसे हराया नहीं जा सकता। काय स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि वे खतरे के पहले संकेत पर अपने सिद्धांतों को त्याग देते हैं। काय आज पुलिस और सशस्त्र बलों को एक अपराजेय राक्षस के रूप में देखते हैं जिसके खिलाफ वे कभी नहीं जा सकते। काय हमेशा निष्क्रिय रहना पसंद करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप वे बुराई और अनैतिक कार्यों में शामिल हो जाते हैं। लोग यह नहीं समझते हैं कि मृत्यु से भी बदतर चीजें हैं और वह स्वयं गुलामी है। काय हमेशा जवाब देते हैं कि वे संभवतः अत्याचार की ताकतों से नहीं लड़ सकते क्योंकि वे हार जाएंगे। एक सच्चा असंतुष्ट वो है जो गुलामी की स्थापित राजनीतिक स्थिति का विरोध करता है, भले ही यह उनकी शारीरिक सुरक्षा के संबंध में कितना भी खतरनाक क्यों न हो, क्योंकि वे समझते हैं कि गुलामी हमेशा अनैतिक और नाजायज होती है। जब तक हम में से हर कोई वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो जाता है, तब तक पृथ्वी पर यहाँ सच्ची स्वतंत्रता कभी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में गुलामी की कोई भी जेब किसी भी विशेष समय में हम में से किसी के लिए भी स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी और कमजोर कर देगी। वर्तमान में स्वतंत्र हैं, क्या धर्मी विद्रोह जैसी कोई चीज होती है? स्वतंत्रता सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य है जो वहाँ है, और मानसिक और शारीरिक रूप से इसकी रक्षा के लिए लड़ना हम सभी का नैतिक मिशन है। बुराई का किसी भी रूप में विरोध करना व्यर्थ नहीं है, यह स्वयं प्रकृति के नियमों के साथ आध्यात्मिक संरेखण का मार्ग है, क्योंकि स्वतंत्रता स्वयं सृजन की ओर से एक मुफ्त उपहार है। जब हम इसकी रक्षा के लिए उठते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां और शक्तियां हमारी सहायता के लिए आती हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य न्यायपूर्ण और महान है और स्वयं सृष्टि के अनुरूप है। गुलामी से लड़ने के लिए उचित प्रेरणा यह है कि यह मानवता के लिए अनैतिक है और इसे इस ग्रह के किसी भी हिस्से में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को परवाह नहीं है कि वे शारीरिक युद्ध में मर सकते हैं या नहीं। वे लड़ते नहीं हैं क्योंकि वे केवल जीवित रहने की इच्छा रखते हैं, नहीं, वे लड़ते हैं क्योंकि वे गुलामी और बुराई को इसके विकल्पों के साथ स्वीकार करने के बजाय लड़ना और मरना पसंद करते हैं। स्वतंत्रता के संरक्षण की वृत्ति उनके जीवन के संरक्षण की प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करती है। इस प्रकार यह ब्रह्मांड के नैतिक नियमों के प्रति मेरी निष्ठा है। मैं अपनी स्वतंत्रता को एक संप्रभु मानव के रूप में घोषित करता हूँ। मैं किसी भी रूप में गुलामी में शासित होने की सहमति नहीं देता। मैं कोई अपराध नहीं करता क्योंकि मैं किसी अन्य इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं उन लेबलों या हठधर्मी विचारधाराओं की सदस्यता नहीं लेता जो नैतिक कानूनों के विरुद्ध हैं। मैं इस ग्रह पृथ्वी पर सभी को एक भाई और एक बहन के रूप में मानता हूँ। मैं किसी भी प्रकार की बुराई में भाग नहीं लेता, विशेष रूप से पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की सरकारों के साथ। यह ब्रह्मांड के नियमों के प्रति मेरी निष्ठा है और ब्रह्मांड मेरे साथ रहे। तथास्तु।